में आज मैंने एंड ऑफ द रोड मूवी देखा। इस मूवी का ड्यूरेशन है करीब करीब 1 घंटा 30 मिनट। अगर आप चाहें तो ये मूवी देख सकते हैं, अगर नहीं चाहें मत भी देखिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस मूवी में खास कुछ अच्छा मुझे नहीं मिला। अगर इस मूवी के कहानी के बारे में बताया जाए, बेसिकली ये कहानी है ब्रेंडा के। ब्रेंडा के जो हस्बैंड थे जेक, उनको कैंसर हुआ था और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ब्रेंडा ने अपना जो घर है वो गिरवी रखा था। और इसके बाद वो उसके हस्बैंड का केमोथेरेपी सेशन चल रहा था, लेकिन चलते चलते उसका हस्बैंड का देहांत हो गया और हस्बैंड मर गए। इसके बाद ब्रिंडा और उनका जो फैमिली है, यानी ब्रिंडा का जो भाई है रेजी, ब्रिंडा का जो डॉटर है केली और ब्रिंडा का जो छोटा बेटा है कैम, इन सभी मिल के एक रोड ट्रिप करते हैं टेक्सास हाउस्टन के लिए। लेकिन बीच में उन्होंने एक रात को एरिजोना के मोटल में वो बिताते हैं, लेकिन उस मोटल में उस दिन उन लोगों के साथ एक चीज़ घटता है। उस वो जो इंसिडेंट है, कि इंसिडेंट घटने की वजह से उन लोगों के लाइफ में चेंजेस आते हैं। क्या इंसिडेंट है, उन लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा ऐसा डेंजर इवेंट में उन लोग फंसते हैं, इसके बाद वहाँ से वो लोग क्या निकल पाते हैं सेफली या नहीं, इस मूवी के थ्रू हम जान पाएंगे। अब इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा यहाँ पे ब्रेंडा के कैरेक्टर में क्वीन लतीफ़ा की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ साथ मुझे उसके साथ साथ रेजी यानी ब्रेंडे के भाई के कैरेक्टर में क्रिस ब्रिजेस का एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्रिंदा और यहाँ पे रेजी यानी क्वीन लतीफ़ा और क्रिस ब्रिजेस दोनों का केमिस्ट्री जो था बहुत अच्छा लगा। भाई बहन का केमिस्ट्री, दोनों का एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और म्यूज़िक है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी भी मुझे काफ़ी ठीक लगा। इस मूवी के एक जगह पे रेसिज्म को लेके यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब वो इन डिप्थ नहीं है, लेकिन वो एक 5 से 7 मिनट का सिक्वेंस है जो भी काफ़ी अच्छा है। इसको और ज़्यादा डेवलप करके दिखाया जा सकता था, लेकिन वो 5-7 मिनट में जो दिखाया गया उससे बहुत कुछ हम लोगों को पता चलता है। अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है उसमें डेप्थ नहीं है, लेयरिंग काफ़ी अच्छी तरह से नहीं किया गया है, स्टोरी लाइन बहुत बहुत बेसिक और पोअर है। इसके साथ साथ इस मूवी का जो डायलॉग है वो भी अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है। इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा, इस मूवी में बहुत सी इमोशनल सीक्वेंसेस था, एक फैमिली के बीच में जो बॉन्ड है, जो इमोशंस है, उसको और अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता था, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया मेकर्स ने, तो इसी वजह से ये जो इमोशनल सीक्वेंसेस है वो और अच्छा तरह नहीं हो पाया। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये जो क्लाइमैक्स है बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, और इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है वो भी बहुत प्रेडिक्टेबल और बहुत ही मतलब सहज है, बहुत ही इजी सिंपल है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि स्क्रीन प्ले के अंदर, डायलॉग के अंदर, इसके साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, सभी जगह पे ये जो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ प्रेडिक्टेबल एक चीज़ स्क्रिप्ट लिखा गया है जो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल मेरा राय यही है, अगर आप देखना चाहते हैं एंड ऑफ द रोड एक बार देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इस मूवी का जो ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट वो सही है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले अगर अच्छी तरह से लिखा होता तो ये मूवी अच्छा बन सकता था। ये था मेरी राय एंड ऑफ द रोड मूवी को लेकर, आपका क्या राय है ज़रूर कॉमेंट करके बताएं।